जश्ने ईद मिलादुन्नबी की ट्रक निकली है। जैसे कि आप जानते हैं 10 लोगों का ही परमिशन है, इसमें 10 लोग ही रहेंगे। अब ये बाइकल्ला ऑल इंडिया खिलाफत हाउस कमेटी से ये ट्रक निकली है, पुलिस का भारी बंदोबस्त है, 10 लोगों को इसमें अलाउ किया गया है। एमएलए अमीन पटेल हैं, एक्स एमएलए एडवोकेट वारिस पठान हैं, एमएलए रईस शेख हैं, मौलाना अब्दुल जब्बार आजमी हैं, ऑल इंडिया खिलाफत हाउस कमेटी के चेयरमैन सरफराज आरजू है। देखिए जुलूस निकला है। जैसे कि आप जानते हैं आज 30 अक्टूबर 2020 हम लोग आज ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ जो स्टेज बनता है इंडिया टाइम्स की तरफ से स्टेज बना है। देखिए हम लोग है यहाँ पे बाइक करना में खड़ा पार्टी के सामने, शुक्रिया टाइम्स की तरफ से जो स्टेज हर साल बनता है इस साल भी बना है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो गाइडलाइंस आई है, हमने गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये पूरा स्टेज बनाए हैं। 8x8 का परमिशन का स्टेज का पूरा स्टेज देखिए आपके सामने 8x8 है। 5 कुर्सी बोली गई थी, ऊपर 5 कुर्सी रखी हम लोगों ने, रूल्स के हिसाब से चले। जैसे कि आप जानते हैं परमिशन लेने के लिए हमें फायर ब्रिगेड की एनओसी मिलती है। हम थैंक्स बोलना चाहेंगे फायर ब्रिगेड को, बाइकल्ला फायर ब्रिगेड को, दूसरा एस ब्रिज ट्रैफिक सीनियर को, उसके बाद में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन सीनियर को। फिर 3 जगह से हमें एनओसी मिलने के बाद में जो ई वार्ड है बीएमसी का, वहाँ से हमें परमिशन मिलता है। और परमिशन मिल गया बाकायदा, हर साल की तरह इस साल भी परमिशन मिला है। लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के जो रूल्स हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम भी चल रहे हैं। या तो उसी तरह से हमने 8x8 स्टेज बनाए हैं, बड़ा नहीं बनाए, हर साल की तरह से बड़ा स्टेज बनता है, बड़ी सादगी के हिसाब से बनाए हैं। वैसे ही हमने जो पीछे मीटर लगा के हर साल हम थैंक्स बोलना चाहेंगे मुंबई BESC को, जो BSC ने भी हमें जो टेम्पर वाली मीटर देते हर साल, इस साल भी मीटर दे दिए हैं, 1 डे में ही मीटर आ गया है। BSC को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे शरबत का इंतजाम रखते थे, इस साल शरबत का इंतजाम नहीं रखे हम लोगों ने, क्योंकि ओपन होता है। इस साल यहाँ पे ये पानी और मास्क का इंतजाम रखा गया है। शुक्रिया टाइम्स न्यूज पेपर और यूट्यूब चैनल की तरफ से हम लोग यहाँ पे पानी और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में जिस तरह से मुंबई से एक ट्रक का जो परमिशन है, एक ट्रक ऑल इंडिया खिलाफत हाउस कमेटी से निकलेगा और उसमें 10 लोग सवार रहेंगे। अभी चलिए आगे आपको हम अपडेट देते रहेंगे इसी तरह से। कैमरामैन अमित वाघेला के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स। ऑल इंडिया खिलाफत हाउस कमेटी के चेयरमैन
आज तमाम अमल करने की उस पर चलने की जरूरत है। तो उस हिसाब से आप किस सिस्टम से चल रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट है इलाका का, वो जो है वहाँ के लोगों को पत्र करने का इस साल जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस्लाम जिस नबी पर लोगों ने वादा रखा है पत्थरों की बर्दाश्त कर दी, नबी को लहूलुहान कर दिया, उस नबी ने कमतर उठाकर उन दुश्मनों पर नहीं फेंका बल्कि अपने अपने हाथों को बुलंद करके अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इन्हें रुसु हिदायत अता फरमा, इनकी आंखों में रोशनी अता फरमा, जो मेरे नबी को बेटा पर ईमान ला सके, हिदायत की दुआ की तो हम उसके बदले में मार ले सकते हैं, तौहीद की हम मजम्मत करते हैं उस पर लानत और मलामत करते हैं। इसलिए हमें नबी पर नबी के मैदान पर अमल करना है, नबी को उसको चलना है, गरीबों यतीमों बेवाओं बेसहारा लोगों की मदद करना है। ये नहीं चाहते कि तारीख में ये लिखा जाए कि ये आज के दिन क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, मरीजों की हयात करना, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास 20 के पैसे नहीं आज उसको 20 की मदद करना है। हजरात जो है आज कई महीनों से जो है बड़ी तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें उलमा की मदद कर। ईद मिलाद उन नबी का इस त्यौहार के अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मैं मचाओ थारवाड़ी बीआईटी चाल जिस एरिया में पला बड़ा हूँ, और मैं कई सालों से देख रहा हूँ इस खिलाफत हाउस में लगभग 101वां साल है यहाँ पे ईद मिलाद उन नबी का मनाया जा रहा है। इस बार पूरे देश में कोरोना का संकट है और इस कोरोना की महामारी में भी हमारी मुस्लिम भाइयों की जो परंपरा है, हमारे देश की जो परंपरा है, ईद मिलाद उन नबी के मौके पर खिलाफत हाउस में बड़े पैमाने पे जुलूस का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना के संकट में जिस तरीके से राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे हम लोग सब लोग यहाँ पे खिलाफत हाउस में जिस तरीके की तकरीर होती है और उस तरीके का तकरीर करने के लिए यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए। आज के शुभ अवसर पर हम पूरे देश के मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं बात देता हूँ। तो कुछ अर्ज करने से पहले इस अवसर पर मेरी सभी फॉर्मर MLA वारिस पठान, आइए जानते हैं आज 100 हमारे उसमें बैठे हुए और इसमें लोगों को क्या मैसेज दे। मौलाना खैरुल रहमान लोधी साहब, सबसे पहले तो मैं आज मौलाना तमाम देश अब्बास साहब रजवी दारुल महबूबे मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लाह सुबहाना ताला पूरे देश से मरता है रसूल हमारी को हमेशा है खैरुल रहमान। और दूसरी मोहतरम जनाब ये कहना चाहता हूँ अपनी बात में खत्म करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही अभी सरफराज आलम साहब अगले साल से, मगर इस बार प्लीज और ये तो खैर नहीं है नवा इंसान अपनी अपनी जवाब नितिन पटेल साहब इसी मोड़ पर हम लोगों को तरह नहीं चले, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करें, उन्हें इस मौके पर स्लैब आयो शेयर याद आता है फॉलो करें, हम सब मिलकर इकट्ठा होकर पूरा देश एक साथ होकर इस कोरोना हम तो तरहा ही चले करेंगे हम सब तरहा ही चले थे हम लोग बाबा भी बोलते हिंदुस्तान बहुत पुराना अखबार है इनके वाले हमेशा मेरे बड़े भाई के उनके मेरे तालीबात है काश की आज होते मानिए जुलूस वाली रमजान और COVID-19 हम लोगों के दरमियान होते तो उनकी दुआओं से मोहताज नहीं रहते। मेरे मोहम्मद मुखलिस लाल मोहम्मद जो असीम एक मदरसी अदारा उसके नाजुम में आना आलमी और माई एसोसिएशन के सर मोहम्मद मुखलिस हमारे साथ हैं सिदरा कुरैशी। सिदरा कुरैशी आज आप ईद मिलादुन नबी के ये जो जुलूस है
जुलूस इस वक्त कैंसिल किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से आप आज क्या कहेंगी? आपको जैसे पता ही होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस ऐसा है, तो इस वजह से फिर भी हम लोग ने स्टेज बना, बहुत छोटा सा स्टेज मैंने और हम लोग इस बार ना कि कोई शरबत या फिर बिस्किट वो सब दे रहे हैं, हम लोग इस बार मास्क और कुछ पानी की बोतल दे रहे हैं जी। और क्या कहेंगे, कितने ट्रक निकल रहे हैं और ट्रक में कितने लोग रहेंगे? वैसे तो जैसा अभी तो मतलब ये कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ एक ही ट्रक निकलेगी और उसमें भी सिर्फ 10 ही लोग रहेंगे। हाँ, सिर्फ 10 ही लोग रहेंगे और एक ही ट्रक निकलेगी। और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आप लोग भी आप लोग के घर के अंदर रहिए, सिर्फ इस कोरोना वायरस की वजह से हम अपना त्योहार नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ने कोशिश करी, हम लोग फिर भी एक पूरा एक स्टेज बनाया हम लोग ने छोटा सा। और जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोगों को जिस तरह से हर साल परमिशन मिलता है, 8x8 का हम लोगों ने स्टेज बनाए। सिद्रा कुरैशी, और क्या कहेंगी लोगों को स्टे होम सेफ होम के लिए, घर के लिए कुछ मैसेज? अगर आप लोग को अपना कोई ज़रूरी सामान लेना है, लाइक कुछ एकदम ज़रूरी सामान, तो फिर ही आप लोग बाहर निकलिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ इस कोरोना वायरस की वजह से हम अपना त्यौहार नहीं बना पा रहे, तो हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो शायद जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हो जाए। और मैं ये भी करूँगी कि 2021 के अंदर 2001 के अंदर हम लोग वापस से वैसे धूम एकदम अच्छे से बड़ा वाला स्टेज